His Excellency Ambassador of Pakistan, Professor Niaz Tirmizi, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, a very good evening to everyone. It is my great pleasure to welcome you all while we are commemorating the National Day of Pakistan. March 23rd, 1940 is a day of historical significance for us. On this historic day, it is also our duty to remember what our forefathers have done. The principles that Qaid-e-Azam Muhammad Ali faith and discipline. And we need to rededicate ourselves for making Pakistan a welfare democratic state. It was the first country to recognize the United Arab Emirates. And partnership which is based on mutual respect. Excellency, I am grateful to the leadership of UAE, also the largest trading partner within GCC. We have seen a significant improvement in the exports, almost with participation by Pakistani businessmen in various trade-initiated negotiations on bilateral economic partnership, which is the Comprehensive Economic Partnership Agreement. पाकिस्तान मुबारक हो। ये हमारा एक बहुत अहम दिन है हम सब का। और जो अच्छी खबरें ये हैं कि जी माशाल्लाह के हमारा एक डेलीगेशन आ रहा है जो सीपा पे नेगोशिएशन फॉर्मली हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा जो यूएई से ताल्लुकात हैं वो बहुत पुराने हैं, इक्तिसादी हैं, सकाफती हैं, तारीखी हैं। और जिस किस्म के मेरे अब यहाँ पर मुझे आए तकरीबन 4.5 माह हो गए, जितने विजिट्स दोनों तरफ से हुए हैं वो इस बात का आईनादार है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात फ़रोग पा रहे हैं, तजारत में, सकाफत में, इक्तिसादियत में, इक्तिसाद में। तो आज देखेंगे आज इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी, इमराती और डिप्लोमेटिक कोर हमारी सेलिब्रेशन में साथ शामिल है। तो इस बात की अक्कासी है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान उस वो मंजिल पे पहुँचेगा जिसका विजन हमें कायद आज़म और हज़रत अल्लामा इक़बाल ने दिया। बड़े नंबर में आए और हमारी माशाल्लाह पाकिस्तान कम्युनिटी यहाँ आई, यहाँ पे हमारे डिप्लोमेट्स बहुत नंबर पे हमारे साथ आज इस फंक्शन को अटेंड करने के आए। आज के दिन की मुनासबत से 23 मार्च के हिसाब से, नेशनल डे के हिसाब से, मैं अपनी तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यूएई में मुकीम है उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मैं साथ इस ख्वाहिश का भी इजहार करता हूँ कि हम आज के दिन से सबक सीखें, हम आज के दिन को अपने हमारे जो फोर फादर्स हैं उनको याद करके उनकी कुर्बानियों को याद रखें और अपने मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा करें। थैंक यू।